तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कई बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि G20 समिट के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत पर 3 शर्तें रखी हैं। और पहली शर्त में कहा गया है कि रूस यूक्रेन की अखंडता का सम्मान करे। वहीं दूसरे शर्त में यूक्रेन से रूस की सेना की वापसी की मांग की गई। जबकि तीसरी शर्त की बात करें तो तीसरी शर्त में यूक्रेन में हुई बर्बादी का हर्जाना मांगा गया है। और इससे एक बात साफ हो गई है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं है। और उधर पुतिन पहले ही G20 समिट का बॉयकॉट कर चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने रूस के साथ शांति वार्ता को लेकर 3 फॉर्मूलों का जिक्र किया है। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे कि कौन कौन सी ये 3 शर्तें हैं। जी हाँ, जो पहली शर्त है वो ये है कि दुश्मनी खत्म की जाए, तुरंत रूस के सैनिकों की वापसी हो, और तभी जाकर यहाँ पर यूक्रेन के ये 3 फॉर्मूले हैं किस तरीके से शांति वार्ता पर पूरी बातचीत हो पाई। साथ ही दूसरा बड़ा फॉर्मूला ये अपनाने की कोशिश की गई है कि क्षेत्रीय अखंडता की बहाली की जाए, ताकि आसानी से ये अखंडता होगी तभी ये युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरी शर्त ये रखी गई है कि नुकसान की भरपाई और भविष्य में आक्रमण न होने की शर्त रखी गई है।